हेलो टू माय आई वेलकम यू ऑल चैनल इन लास्ट क्लास वी सौ कैलेंडर कैलेंडर कैसे है क्या है ये मैंने बताया था आपको और हम लोग देखे थे दे कैसे हम लोग ऑड डेज निकालते हैं कैसे हम लोग फाइंड करते हैं कि वेदर ईयर इज अपियर और नॉट उसके हम लोग देखे थे दे कैसे कैसे, कैसे क्यों हम लोग थ्री लेते हैं लिपियर में कैसे आता है ये सब मैंने एक्सप्लेन किया था तो एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं सबसे पहले डेज मिलते हैं तो वीक फॉर्म होता है राइट फिर कुछ वीक्स मिलते हैं तो मंथ कुछ मंथ्स मिलते हैं तो ईयर यानी कि कितने डेज मिलते हैं तो वीक बनता है सेवन फिर कुछ वीक्स मिलता है तो मंथ और कुछ मंथ बनता है तो ईयर यानी कि ट्वेल्व मंथ्स मिलते हैं तो एक ईयर फॉर्म होता है राइट तो फिर हम लोग देखे थे कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे वेदर ईयर इज द लीप ईयर और नॉट और उससे पहले मैंने बताया ईयर दो टाइप का होता है वन इज ऑर्डिनरी ईयर एंड इज लीप ईयर राइट ऑर्डिनरी ईयर में थ्री सिक्सटी फाइव डेज होते हैं लीप ईयर में थ्री सिक्सटी सिक्स डेज होते हैं एंड वाई इज दैट इसलिए क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो सन के ओर रिवॉल्व करता है ठीक है तो ये जब रिवॉल्व अपना रिवॉल्यूशन एक कंप्लीट करता है तो उसको कितना टाइम लगता है टाइम तो टेकन क्या है इसका 365 डेज प्लस सिक्स आवर्स ऑलराइट राइट और ये जो छः घंटे हैं ये एड हो करके पूरे चार साल में अपना कंप्लीट करता है चौबीस घंटा ठीक है ये जो चौबीस घंटा कंप्लीट होता है ये थ्री सिक्सटी फाइव डेज में एड हो जाता है वन डे और ये थ्री सिक्सटी सिक्स डेज़ फॉर्म करता है और इसी ईयर को हम लोग कहते हैं लीप ईयर और ये हर चार साल में एक आ, एक बार आता है क्योंकि ये छ छः घंटे को प्लस होकर मतलब ऐड होकर ट्वेंटी फोर आवर्स बनने में फोर ईयर्स लगते हैं सो तो दैट ये थ्री सिक्सटी सिक्स डेज फॉर्म करता है चार साल में एक बार नेक्स्ट ये हम लोग देखे थे कि ये लीप ईयर है ये ऑर्डिनरी ईयर है तो इसमें वीक्स कितने होते हैं तो ऑर्डिनरी ईयर में टू वीक्स प्लस वन ऑर्ड डे होता है कि टोटल अब हम लोग को पता है होता है में। तो कैसे हम लोग निकालेंगे जब हम इसको काटेंगे तो परफेक्टली फिफ्टी टू तक ही कट जाएगा बट एक रिमाइंडर बचेगा इट विलडर तो ये जो वन है यही एक ऑर्ड डे होता है क्यों क्योंकि एक वीक को फॉर्म करने के लिए सात दिन मिलना चाहिए बट यहाँ बस एक ही दिन बच रहा है इसलिए इसको हम लोग ऑड डे में लेते हैं ठीक है सिमिलरली लीप ईयर में डेज होते हैं और उसको हम लोग सेवन से डिवाइड करते हैं फिफ्टी टू तो, तो यहाँ भी कट जाता है परफेक्टली बट इट विल लीव अ रिमाइंडर ऑफ टू तो यहाँ अभी एक वीक फॉर्म नहीं हुआ क्योंकि दो ही दिन है तो इसमें इसीलिए लीप ईयर में हम लोग दो एक्स्ट्रा डेज लेते हैं एक्स्ट्रा डेज लेते हैं क्लियर ले है सबको यहाँ तक फिर मैंने बताया था

स हंड्रेड्स में जो ईयर्स होते हैं उस ईयर को हम लोग कैसे चेक करेंगे फॉर एग्जाम्पल सिक्सटीन हंड्रेड सिक्सटीन हंड्रेड इज अ सेंचुरी ईयर तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे इसको हम लोग फोर हंड्रेड से डिवाइड करेंगे क्लियर अगर ये परफेक्टली डिविजिबल होगा तो ये लिप ईयर होगा अगर नहीं होगा तो नहीं होगा एंड वन मोर थिंग एयर अगर यहाँ पे कोई ईयर है मान लेते हैं टू थाउजेंड सपोज कुछ भी एक ईयरलीयर और अगर वो फोर से डिविजिबल है तब भी वो लीप ईयर नहीं होगा अगर क्योंकि वो सेंचुरी ईयर है हम लोग जानते हैं अब हम लोग को पता चलेगा कि किस कितना और डेज बचता है सेंचुरी ईयर्स में वो लोग कैसे फाइंड करेंगे तो वो इसी की हेल्प से जैसे हंड्रेड में कितने और डेज हैं हंड्रेड इज में ठीक है तो ये कैसे फाइंड करेंगे हम लोग ये क्वेश्चन है आप लोग ट्राई करो अगर आप अब समझ में आ गया सबको तो ट्राई करो आप अदरवाइज मैं तो बता ही रही हूँ जब सेंचुरी ईयर होता है यानी कि हंड्रेड ईयर्स में अगर हम लोग को फाइंड करना कितना लीप ईयर है और कितना ऑर्डिनरी ईयर मान लेते हैं तो हम लोग क्या करेंगे इसका सबसे पहले बेसिक से चलते हैं तो हम लोग को पता है टी एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन डी वेर दिस इज लास्ट लास्ट नंबर और लास्ट टर्म ए इज फर्स्ट टर्म एन इज नॉट तो करना को जो फाइंड करना हो ये है तो तो ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इस हेल्प इस फॉर्मुला से एथेमेटिक प्रोग्रेशन से हम लोग निकाल सकते हैं कि 100 इस में कितने Leap years होते हैं तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे तो लास्ट टर्म हम लोग का हंड्रेड हो जाएगा ठीक है उसके बाद ए फर्स्ट टर्म क्योंकि हर चार साल में एक बार आता है तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे फोर एट ट्वेल्व 100 राइट right? तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारा फोर फोर प्लस एन माइनस वन ये तो गिवन नहीं है एन माइनस वन इन टू डी डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस तो कॉमन डिफरेंस इनके बीच में भी क्या है फोर का ही है तो फोर ले लिए अब यहाँ आप लोग सॉल्व करेंगे कर इसको तो हंड्रेड फोर प्लस फोर एंड माइनस फोर राइट अब ये फोर इधर आके माइनस हो जाएगा तो नाइनटी सिक्स इज इक्वल टू फोर एंड माइनस फोर तो ये भी इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा हंड्रेड इज इक्वल टू फोर एन एन इज इक्वल टू हंड्रेड बाई फोर कितने टाइम्स कट गया ट्वेंटी फाइव टाइम्स में ठीक है अब एक और यहाँ पे बात है कि ट्वेंटी फाइव लीप ईयर्स यहाँ पे आ रहे हैं बट नहीं ट्वेंटी फोर होता है क्यों क्योंकि जो हंड्रेड है वो सेंचुरी ईयर है अभी हम लोग पढ़े कि जो भी सेंचुरी ईयरस होता है वो फोर से डिविज कोई भी ईयर है जो फोर से डिविजिबल होगा बट तब भी अगर वो लीप ईयर नहीं है तो कैसे क्योंकि हंड्रेड एक सेंचुरी ईयर है हंड्रेड हो या टू हंड्रेड हो या थ्री हंड्रेड हो या फोर हंड्रेड हो तो 400 तो 400 से एग्जैक्टली वन टाइम्स में डिविजिबल है इसलिए वो लीप ईयर है बट 100 टू 100 और 300 तो नहीं है इसलिए इसको हम लोग लीप ईयर नहीं लेते इसीलिए यहाँ पे एक हम लोग माइनस कर देते हैं 25 में से तो 24 लीप इयर्स होते हैं हर एक सेंचुरी में मतलब एक सेंचुरी में हम लोग के 24 लीप इयर्स होते हैं एंड ऑर्डिनरी इयर्स आर 76 Am I clear ये और इजी सा कांसेप्ट था और इससे पता चल जाएगा कि क्यों हम लोग लीप ईयर कहते हैं कि हंड्रेड में ट्वेंटी फोर है जबकि जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ट्वेंटी फाइव आता है और ये फाइंड हो गया अगर हम लोग लो मतलब को किसी सेंचुरी ईयर में कैसे हम लोग निकालते हैं ईयर कितने और कॉमन मतलब ऑर्डिनरी ईयर कितने कह है सबको तो अब तो हम लोग इतना नहीं करेंगे अब हर बार इतना लंबा प्रोसेस तो नहीं जाएंगे एग्जाम में इसलिए हम लोग को ये अब मेमोराइज ही कर लेते हैं कि ट्वेंटी फोर लीपियर्स होते हैं एंड समीत हैं नॉन लीपियर्स होते हैं हंड्रेड से एक सेंचुरी में यानि कि हंड्रेड इयर्स में ये आप नोट कर लो

अब इसको सेवन से डिवाइड देंगे और डेज निकालने के लिए डेज बाय सेवन कर देते हैं और जो रिमेनिंग रिमेनिंग नंबर होता है वो हमारा ऑर्ड डेज होता है ठीक है तो सेवनटी सिक्स ऑड डेज आए तो उसको सेवन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा छः रिमाइंडर बच जाएगा यानी कि छः एक्स्ट्रा ऑट डेज होते हैं सेवनटी सिक्स ईयर्स में प्लस अब हम लोग बस ये हम लोग को पता है कि हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हंड्रेड क्योंकि हम लोग पता है इसमें ट्वेंटी फोर लीपियस भी होते हैं और एक लीप ईयर में वी नो कि दो हॉट डेज होते हैं दो हॉट डेज होते हैं राइट right? तो ट्वेंटी फोर में कितने होंगे फोर्टी एट अब इसको भी हम लोग सेवन से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सेवन सिक्स में फोर्टी टू तो यहां छह बच जाएगा ठीक है भी हो हो जाएगा जाएगा तो कर देंगे इसको हो जाएगा अब दिन आ रहा एक्स्ट्रा बट हम लोग एक वीक को कम्प्लीट होने में सेवन डेज लगते हैं तो अब फिर हम लोग सेवन से डिवाइड देंगे और यहाँ बचेगा चाहिए फाइव एज अ रिमाइंडर तो फाइव होता है हमारा और डेज यानी कि एक सेंचुरी तो ये अब वो सेंचुरी ईयर में हंड्रेड हो टू हंड्रेड हो फोर हंड्रेड हो कितना भी हो अब आप निकाल सकते हो सपोज टू हंड्रेड ईयर बोला गया ये आप निकालना ये सब बहुत ईजी होता है वन बाय वन सारा अगर आप निकालना सीख गए तो बहुत इजी होता है फिर आप याद भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है बट अगर बाई चांस भूल गए एग्जाम में तो हम आपके पास बेसिक रहेगा सबसे पहली बात कि हमेशा शॉर्टकट पे नहीं जाना चाहिए बेसिक भी पता होना चाहिए सो दैट हमारे पास ये श्योर एंड सर्टेन होता है कि थोड़ा टाइम लगेगा बट एक नंबर फिक्स हो जाएगा क्योंकि शॉर्टकट समटाइम्स भूल जाते हैं बट दैट नॉट मीन्स कि इतना ईजी सा क्वेश्चन छोड़ दें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा कुछ सेकेंड्स ज़्यादा लगेंगे बट ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा अगर बेसिक पता है तो ठीक है तो यही होता है ऑडेज निकालने का तरीका इस पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बट आप ये नोट कर लो फिर मैं एक एग्जाम्पल करवाती हूँ तो अगर आप लोग समझ गए नोट कर लिए तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे क्लियर हो जाएगा सपोज क्वेश्चन में गिवेन है कि आज ट्यूजडे है और पूछा जाएगा आने वाले तीसरे दिन पे कौन सा डे होगा मींस तो आज ट्यूजडे है तो थर्डे डे पे कौन सा डे होगा तो इसको हम लोग सेवन से डिवाइड कर देंगे तो फोर टाइम्स में ट्वेंटी एट तक कंप्लीट कट जाएगा बचेगा रिमाइंडर टू और हम लोग को पता है कि डेज में मंडे वन होता है ट्यूजडे टू होता है यानी कि आज ट्यूजडे है और थर्टी डे पे भी सेम डे होगा बच इज ट्यूजडे क्लियर है सबको तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है क्वेश्चन में ऐसा भी कह सकता है कि आज मंडे है आज से आठवें दिन कौन सा डे होगा बहुत सिंपल है तो आठवें दिन अगर आज मंडे है तो आठवें दिन क्या होगा आठ बाय सात तो एक बजेगा यानी कि इट सेल्फ मंडे जो था मंडे ही आ जाएगा अगर यहाँ पे बोल दिया जाता दसवें दिन कौन सा डे होगा तो इसको भी हम लोग सेवन से डिवाइड करते हैं तीन बज जाता तो मंडे ट्यूजडे वेंसडे थर्ड डे पे कौन सा डे होता वेंसडे ये हम लोग करते हैं कि जितना भी हम लोग डिवाइड देते हैं सेवन से मीन वीक से डिवाइड देते हैं जितना भी नंबर ऑफ डेज है और हम लोग निकाल लेते हैं कैलकुलेट करके कि कौन सा डे आएगा क्योंकि हम लोग को पता है मंडे वन पे है ट्यूसडे सेकेंड वे थर्ड थर्सडे फोर फ्राइडे फाइव सैटरडे सिक्स एंड अगेन संडे सेवन और यहाँ से रिपीट हो जाता है वापस ठीक है इस पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे क्वेश्चन मस्त है आएगा ही आएगा तो हम लोग क्वेश्चन सेशन में इसका बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तब तक बस ये कॉनसेप्ट क्लियर होना चाहिए सबको कि कैसे आता है लीप ईयर क्या होता है लीप ईयर कैसे हम लोग पहचाने कौन सा ये लीप ईयर है कौन सा सेंचुरी ईयर है जो ईयर है या नहीं है किसी ईयर में कितने हंड्रेड मतलब सेंचुरी में कितने ईयर होते हैं कितने ऑर्डिनरी होता है आई थिंक सबको क्लियर होगा यहाँ तक तो यही होता है कैलेंडर हम लोग क्वेश्चन सेशन में बहुत सारा क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे तो आज के लिए बस इतना ही मिलता है नेक्स्ट क्लास में थैंक यू